और आप जनाब आपसे एक गुजारिश है, सबसे पहले सरकार बनाते ही आपने जो कमिटमेंट हमें रियासत वापस लाने की की हुई है वो वाली पूरी। आप ये बात याद रखो, कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो स्टेटहुड वापस करने के लिए बात नहीं करेगा। स्टेटहुड वापस लानी है, हमें अपनी इज्जत वापस लानी है, बस। हम तो आपने खिलाफ सुनो टेम्पल, आज लोगों में उम्मीदें बहुत है, उन उम्मीदों को कैसा पूरा करोगे वो बात चाहे हमारे लिए। जनाब ये महाराजा हरि सिंह जी ने जो असेशन की शर्तें रखी थी ये किस लिए रखी थी? असेशन की शर्तें सोच तो इस बात का है, डॉक्टर साहब इसके बारे में बात नहीं करते, कमाल ये देखो। आज उसका फर्ज था इस रियासत को बचाने का, चुप बैठे जिसके बाप ने सब कुछ बनाया, जिसके परदादाओं ने बनाया, आज ये लुट गई। दरबार मुंह भी बंद हो गया, उस पर भी नहीं कोई कुछ नहीं भाई। बिलीव मी, आप कश्मीर में जाओगे ना, वो इतनी नफरत करते हैं दिल्ली से, मैं बयान नहीं कर सकता। मुंह पे कुछ नहीं कहेंगे, बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है, मैं अंदर से जानते हैं। और ये हाई वोटिंग टर्नओवर जो निकला है ना, ये तो इसलिए निकला है कि लोगों ने 5 अगस्त 2019 के फैसले जो अवाम ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, हमने, हम जो सुप्रीम कोर्ट तक गए और वहां पे हकीकत दिखाई, ये चुनाव भी नहीं करवा के राजी थे, ये चुनाव भी जो हुए हैं ये आपकी आप सुप्रीम कोर्ट से 30 सितंबर से पहले चुनाव करवाने को लेके आए अधिकार। हम तो आपको चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं। चीफ मिनिस्टर मेरी बात सुनो, आप नौजवान सुनो, मेरी बात सुनो, मैं उनमें से नहीं हूं जो झूठ बोलता है, वो दम नहीं है। अब जवानों का जमाना, जवानों ने इस रियासत को चलाना है या नहीं? बिल्कुल सर, अब काम चाहिए, हम नजर रख तो सपोर्ट रखेंगे, हमारा काम है नजर रख, नजर देनी है हमको, जवानों ने आप इसको बनाना। फिर उमर साहब से बेहतर कोई है? जम्मू कश्मीर की आवाम उमर साहब को जाती है, उमर साहब को चीफ मिनिस्टर चाहती है, ये करेंगे वो करेंगे, जिमला हो फिर कुछ नहीं करोगे। लेकिन जनाब सुनो टेम्पल, आज लोगों में उम्मीदें बहुत है, उन उम्मीदों को कैसा पूरा करोगे वो बात